वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको न्यूज़ देने वाला हूँ। छोटी सी न्यूज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट वो न्यूज़ है कि दोस्तों टिकटॉक बैन हो चुका है। अभी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है और दोस्तों मैं भी महाराष्ट्र में ही रहता हूँ। अभी तो फिलहाल मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ था, मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल था। मगर आज अब से जो कोई टिकटॉक अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेगा, मैं आपको अभी प्ले स्टोर में लाइव रूप दिखा देता हूँ। अगर आप अभी टिकटॉक अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। देखिए मैं अभी आपको दिखा दे टिकटॉक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टिकटॉक का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है। इसका रीज़न है कि थोड़ा नॉइस आ रहा है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है, और बहुत अच्छी बात है दोस्तों इसको बैन किया है। इसको बैन करना ही था क्योंकि चाइनीज़ एप्लीकेशन है और इसको चाइना से बहुत प्रॉफिट मिल रहा था चाइना को इससे। और दोस्तों इंडिया में भी बहुत सारे लोगों का करियर बना था टिकटॉक की वजह से। आप बोलोगे कैसे, जो लोग मतलब जो उनको एक्टिंग मतलब पसंद थी, मतलब वो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने फ़ोन से एक्टिंग शुरू किया और फिल्म इंडस्ट्री तक पहुँचे हैं टिकटॉक एप्लीकेशन की वजह से। मगर दोस्तों अभी टिकटॉक का तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बंद किया है और अभी दो तीन दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको बंद कर देगा, मतलब इंडिया में बैन हो जाएगा। तो अभी देखिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्ले स्टोर पे टिकटॉक एप्लीकेशन अभी अवेलेबल नहीं है, आपको शो भी नहीं करा रहा है। यहाँ पे आपको टिकटॉक नहीं मिलने वाला है। अगर आपके फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है वो भी ब्लॉक हो जाएगा 24 घंटे में। तो दोस्तों यही छोटी सी अपडेट देनी थी आपके लिए। तो बहुत अच्छी बात हुई टिकटॉक बैन हो गया, पर जिनका टिकटॉक की वजह से करियर बना है उनको तो दुख हुआ ही होगा। तो कोई बात नहीं यार, जाने तो टिकटॉक बैन होने दो, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट नहीं था, वो चाइना का प्रोडक्ट था। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।